हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अंकित भट्ट एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू एक्सरसाइज 1.3। जैसा कि बेटा मैंने 1.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको बताए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 1.3 एक्सरसाइज में वो क्वेश्चंस नहीं हैं, हैं इसी बुक के एग्जांपल्स में, लेकिन 1.3 एक्सरसाइज में नहीं है। तो वो क्वेश्चंस अच्छे हैं, ठीक है, आगे भी काम आएंगे आपके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। There are 65 whole 1/2 pieces of wood which need to be painted with blue color. ठीक है, number of wood pieces कितने हैं हमारे पास, 65 whole 1/2 means इसको अगर होल में कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो 131/2 आंसर होगा, ठीक है। The amount of paint within a bucket, ठीक है, एक बकेट में इतना पेंट है, इनफ फॉर 5 whole 3/4 पीसेस ऑफ वुड, ठीक है, कि उससे 5 whole 3/4 वुड पीसेस को पेंट किया जा सकता है, ठीक है। सो अगर 5 whole 1/3 पीसेस से की नीड है वन बकेट की, ठीक है, तो 65 whole अगर 1/2 पीसेस को अगर फिल करना वो करना होगा तो क्या कराएंगे हम। अब थोड़ी देर के लिए गैस करें आप कि आपके पास 65 whole 1/2 पीसेस हैं वुड के, ठीक है, और कुछ पेंट्स के बकेट हैं आपके पास, ठीक। अगर एक बकेट से 5 whole 3/4 को आप पेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर टोटल आपको करना होगा तो क्या करेंगे सर। अगर ऐसे ही कभी सिचुएशन होती है कि वन का दिया होता है मोर के फाइंड करना होता है तो डिवाइड कराना होता है, ठीक है। देखिए 5 होल, अब ऐसे ही समझ लीजिए, अगर 5 यहाँ होल को हटा दें भी आपको समझ में आ जाएगा। सपोज़ दैट 25 विंडो और डोर हैं आपके पास, ठीक है, 25 डोर्स हैं आपके घर में। एक पेंट के बॉक्स से बकेट से आप 5 को कर रहे हैं तो 25 को फिल करने के लिए कितना का लगेगा, 5। कैसे निकाला सर, सर टोटल जितने भी विंडो और डोर थे हमारे पास 25, और एक बॉक्स से जितना पेंट हो रहा था 5, उसका मैंने क्या करा दिया, डिवाइड करा दिया, ठीक है। तो उस सेम एज कंडीशन इसमें भी वही होगी, टोटल का देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर टोटल जो था टोटल 131/2 था, और मैंने एक बॉक्स से जितने पेंट हो रहे थे उसका मैंने क्या कर दिया, डिवाइड, ठीक है, 23/4 का। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, 4/23 हो जाएगा, 2 से 4 को कट कर लेंगे, ठीक है, 2 हो जाएगा, 2/23 मीन्स 264/23 होगा, ठीक है। और डिवाइड जब कराएंगे 23 का 264 में, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 और यहाँ पर रिमाइंडर में हो जाएगा 9, ठीक है, तो 11 whole 9/23 आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी आपको। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सौरव इन्वेस्टेड रुपीज़ 5 whole 3/5 lakhs, तो मतलब 5 whole 3/5 lakhs का मीन्स क्या होगा, इसको लैक्स में कन्वर्ट कर लें, 1 lakh से मल्टीप्लाई करा के, मतलब ये 5,60,000 हो जाएगा, ठीक है। अब अर्न प्रॉफिट कितना कर रहा है, 7 whole 1/4 मीन्स 7 whole 1/4 मतलब 29/4, और थाउजेंड्स मतलब 1000 करीब मल्टीप्लाई करा है, रुपीज़ आ गया 7,250, ठीक है। और टोटल कैपिटल अवेलेबल इस टाइम पर उसके पास कितनी होगी भाई, जितना उसने पहले इन्वेस्ट किया था और जब उसने प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है, टोटल उतनी तो कैपिटल उसके पास होगी, तो मैंने दोनों को क्या किया, ऐड करा दिया, फाइनल आंसर आया 5,67,250, ठीक है। सो आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी सभी को। और इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 255 किलोमीटर इन 1 whole 1/2 hours, find the speed of the train and the distance covered in
3 होल 4/5 आवर्स। एक बार इसको पहले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, गलत सही जैसा भी आता है ठीक है, देन आफ्टर आई विल डिस्कस टुमारो। ओके बाय, टेक केयर।